हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। आई एम सत्यजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था? डिफ्यूजन, करंट डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिनिमम कंडक्टिविटी ना सेमी कंडक्टर। एक क्वेश्चन आता है मिनिमम कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए सेमी कंडक्टर की। तो मिनिमम कंडक्टिविटी का ये एक्सप्रेशन हो गया मिनिमम कंडक्टिविटी के लिए। कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर की आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण एन क्यू म्यू एन, होल के कारण पी क्यू म्यू पी, क्योंकि सेमी कंडक्टर बाइपोलर होता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण अलग, होल के कारण अलग। अब ये तो ही कंडक्टिविटी की बात। अब इसमें ये पूछा क्या इसने मिनिमम कंडक्टिविटी के लिए। तो मिनिमम कंडक्टिविटी के लिए आप जानते हैं मास एक्शन लॉ क्या होता है, पी इक्वल्स टू एन टाइप सेमी कंडक्टर की बात करें अगर, तो एन ए स्क्वायर अपॉन मेजोरिटी कैरियर कॉन्स्टेंट एन, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने कंडक्टिविटी की इक्वेशन वन में पुट कर दी, पी की वैल्यू। पी की वैल्यू पुट की तो एन क्यू म्यू एन प्लस एन ए स्क्वायर अपॉन एन क्यू म्यू पी, ठीक है। इसके लिए अपन को डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट ऑफ इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एन, एन के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो ये इक्वेशन जीरो, ये हो जाएगी इट्स सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। अपन मैक्सिमम और मिनिमम आपने निकाला होगा मैथ्स में, एम वन एम टू एम थ्री में पढ़ा होगा। मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं कि अपन उसका दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर अगर सेकंड वाला डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो इट्स सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। वी गेट द कंडीशन फॉर मिनिमम कंडक्टिविटी, मिनिमम कंडक्टिविटी इन द सेमीकंडक्टर, कंडीशन आ गई है मिनिमम कंडक्टिविटी की, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव आ रहा है। अब मिनिमम कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, सेम जैसे मैथ में अपन मिनिमा निकालते हैं, मिनिमा कैसे निकालते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर देते हैं। तो डी सिग्मा अपॉन डी एन इक्वल्स टू जीरो पुट किया अपन ने, तो आपकी वैल्यू आई ये, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया, एन इक्वल्स टू आ गया एन आई रूट म्यू पी अपॉन म्यू एन। आपको ये इसका डेरिवेशन याद नहीं रखना है, आपको बस ये वैल्यू याद रखनी है कि मिनिमम कंडक्टिविटी के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, एन आई इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन अंडर रूट ऑफ म्यू पी अपॉन म्यू एन, म्यू पी अपॉन म्यू एन। आप ऐसे याद रख सकते हैं एन के लिए नीचे म्यू एन आएगा, और ऐसे अगर पी के लिए आपको निकालना हो तो पी के लिए नीचे म्यू पी आ जाएगा, यहाँ पर एन आई सेम रहेगा। आपको ये बस इसका फॉर्मूला याद रखना है, देखिए पी के लिए एन आई रूट ऑफ म्यू एन अपॉन म्यू पी, यहाँ पर नीचे म्यू पी। तो आपको ये दो फॉर्मूला बस याद रखनी है मिनिमम कंडक्टिविटी के लिए, डेरिवेशन याद इसका नहीं रखना है। तो जो एन और पी की वैल्यू निकली थी वो अपन ने टोटल कंडक्टिविटी में पुट कर दी, कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू एन आई रूट म्यू पी अपॉन म्यू एन और क्यू म्यू एन प्लस एन आई रूट म्यू एन अपॉन म्यू पी और क्यू म्यू पी। तो इसको आपने अब सॉल्व किया तो मिनिमम कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी आपकी, टू एन आई क्यू, टू एन आई क्यू रूट म्यू एन और म्यू पी। ये आपको फॉर्मूला इसका याद रखना है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मिनिमम कंडक्टिविटी क्या होती है, टू एन आई क्यू रूट म्यू एन म्यू पी। तो चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ इससे रिलेटेड, तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। जैसे इन अ सेमी कंडक्टर हैविंग द फॉलोइंग पैरामीटर, ये पैरामीटर आपको गिवन है, म्यू एन गिवन है, म्यू पी गिवन है और एन आई गिवन है, फाइंड क्या करना है मिनिमम कंडक्टिविटी। तो आपको इसके लिए डेरिवेशन याद नहीं रखना है, मिनिमम कंडक्टिविटी का मैंने आपको बोला सीधा फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला टू एन आई क्यू टू म्यू एन और म्यू पी। तो म्यू एन की वैल्यू गिवन है, म्यू पी की वैल्यू गिवन है, एन आई की वैल्यू गिवन है और क्यू की वैल्यू आप जानते हैं, तो इसकी मिनिमम कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या बोला आपने, होल कॉन्सेंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी मिनिमम। तो पी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पी का फॉर्मूला एन आई रूट म्यू एन अपॉन म्यू पी, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और एन का फॉर्मूला आपको बताया था एन आई रूट म्यू पी अपॉन म्यू एन, तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखने हैं, इससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी कंडक्टर की। सेमी कंडक्टर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बेसिकली जो सेमी कंडक्टर होता है आपका दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, फर्स्ट डायरेक्ट बैंड गैप सेमी कंडक्टर, सेकेंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमी कंडक्टर। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमी कंडक्टर में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द एनर्जी डेसिपेट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जो
एनर्जी डेसिपेट होगी वो काहे के फॉर्म में डेसिपेट होगी, डायरेक्ट बैंड गैप सेमी कंडक्टर लाइट के फॉर्म, ये आपको याद रखना है। और इनडायरेक्ट बैंड गैप में जो एनर्जी डेसिपेट होगी वो किस फॉर्म में होगी, हीट के फॉर्म में डेसिपेट होगी, ये भी आपको याद रखना है। तो हीट के फॉर्म में डेसिपेट होगी इनडायरेक्ट बैंड गैप में, लाइट के फॉर्म में डायरेक्ट बैंड गैप में। तो डायरेक्ट बैंड गैप का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड ये जैसे अपन यूज करते हैं इसको डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के लिए, और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के लिए जिसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलती है उसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है सिलिकॉन कौन सा सेमीकंडक्टर आपका डायरेक्ट बैंड गैप है, इनडायरेक्ट बैंड गैप है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या गैलियम आर्सेनाइड का पूछ सकते हो डायरेक्ट बैंड गैप है इनडायरेक्ट बैंड गैप है, तो आपको याद रखना है सिलिकॉन जर्मेनियम इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और गैलियम आर्सेनाइड डायरेक्ट बैंड गैप सेमी। तो इनमें देखते हैं डायरेक्ट बैंड गैप में क्या होता है। ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन में आपको आगे बताता हूँ क्या होता है। ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन मोस्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी डायरेक्टली फॉलिंग इनटू द कंडक्शन बैंड। वैलेंसी बैंड नीचे होता है, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है। जब इसमें रिकॉम्बिनेशन के टाइम पर मोस्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी डायरेक्टली फॉलिंग इनटू द कंडक्शन बैंड एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। सीधे वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, कोई बीच में बैंड इंटरमीडिएट कोई बीच में बैंड नहीं होता है, सीधे दो बैंड होते हैं वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड। और इसमें इनडायरेक्ट में क्या होता है, ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन मोस्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्शन बैंड विल गो फ्रॉम इंटरमीडिएट लेयर एंड देन दे फॉल इनटू द वैलेंसी बैंड एंड हेंस द नेम इज। तो इसमें देखते हैं अपन डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में क्या होता है। ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन मोस्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी डायरेक्टली फॉलिंग इनटू द कंडक्शन बैंड एंड देयरबाय इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इसमें कोई इंटरमीडिएट कोई भी लेयर नहीं होती है। और इनडायरेक्ट की बात करें तो ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन मोस्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्शन बैंड ऊपर होता है आपका कंडक्शन बैंड विल गो फ्रॉम एक कोई बीच में लेयर रहती है इंटरमीडिएट लेयर एंड देन फॉल इनटू द वैलेंसी बैंड, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें बीच में इंटरमीडिएट लेयर भी होती है। और ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन डायरेक्ट बैंड गैप मोस्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्शन बैंड विल बी डायरेक्टली फॉलिंग इनटू द वैलेंसी बैंड एंड एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। मैंने बताया ना डायरेक्ट बैंड गैप में एनर्जी लाइट के फॉर्म में निकलती है, बट इसमें मैक्सिमम तो होगी लाइट के फॉर्म में निकलेगी, बट कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सम ऑफ बट एट द सेम टाइम सम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन विल फॉलिंग फ्रॉम द कंडक्शन बैंड विल बी कोलाइडिंग विद द क्रिस्टल, क्रिस्टल के साथ कोलाइड करके कुछ हीट के फॉर्म में भी एनर्जी निकलती है, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी निकलती है लाइट के फॉर्म में डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इसमें जस्ट अपोजिट है, इसमें जस्ट अपोजिट है, मैक्सिमम जो एनर्जी निकलेगी वो क्या में निकलेगी हीट के फॉर्म में, क्या में निकलेगी हीट के फॉर्म में, और थोड़ी एनर्जी निकलेगी आपके क्या की लाइट के फॉर्म में। तो एक ही समझ में आई आपको, इनडायरेक्ट बैंड गैप में एनर्जी होती है हीट के फॉर्म में और डायरेक्ट बैंड गैप में लाइट के फॉर्म में एनर्जी होती है। और इसमें क्या होता है, एनर्जी ऑफ द फॉलिंग चेंज चेंज होता है, और इसमें एनर्जी ऑफ द फॉलिंग चेंज बोथ काइनेटिक पोटेंशियल, डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप दोनों में एनर्जी चेंज हो जाती है। और द डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज, डायरेक्ट बैंड गैप में डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होती है कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड का, ये हो गया आपका सिर्फ वैलेंसी बैंड, ये तो इलेक्ट्रॉन आपका आपसे यहाँ आएगा, डायरेक्शन तो कंडक्शन से वैलेंसी बैंड में ही है। और इसमें डायरेक्शन ऑफ द फॉलिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम कंडक्शन टू वैलेंसी बैंड, मतलब अगर इनडायरेक्ट बैंड गैप भी है तो उसमें भी ऊपर कंडक्शन बैंड है, इसमें भले ही एक इंटरमीडिएट लेयर है लेकिन डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है कंडक्शन बैंड से वैलेंसी बैंड में, डायरेक्शन इसकी वो भी कंडक्शन बैंड से वैलेंसी बैंड में। और पाथ ऑफ द फॉलिंग इलेक्ट्रॉन नॉट चेंज, डायरेक्ट बैंड गैप में पाथ उसका चेंज नहीं हो रहा है, कंडक्शन बैंड से सीधे वैलेंसी बैंड में जा रही है। और अगर इसकी बात करें इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, तो उसमें पाथ चेंज हो रहा है क्योंकि इंटरमीडिएट लेयर पर जा रहा है, डायरेक्ट
ऑप्शन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और इसमें देखते हैं फॉलिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्स्टेंट मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फॉलिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्स्टेंट मोमेंटम, मतलब जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। और इनडायरेक्ट बैंड गैप में मोमेंटम ऑफ द फॉलिंग इलेक्ट्रॉन विल चेंज, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अब एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, रिलेटिवली कैरियर लाइफ टाइम इज टाइम इज लेस, कैरियर का लाइफ टाइम होगा वो इसमें कम रहता है डायरेक्ट बैंड गैप से भी। और इनडायरेक्ट बैंड गैप की बात करें तो रिलेटिवली कैरियर लाइफ टाइम इज लार्ज, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में कैरियर का लाइफ टाइम होगा वो ज्यादा होगा, इसमें कैरियर लाइफ टाइम कम होगा, इसमें कैरियर लाइफ टाइम ज्यादा होगा। लेकिन बट वी नॉट टेक द इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल व्हिच हैव लार्जर कैरियर लाइफ टाइम इन डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर व्हिच हैव हाई कैरियर लाइफ टाइम इज प्रेफर्ड। मतलब आपको क्या समझ में आया, जैसे अपन को कोई डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर से अपन को एलईडी बनानी है, ठीक है, एलईडी अपन को डिजाइन करनी है, तो उसमें अपन लोग क्या यूज करते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, क्योंकि एलईडी क्या होती है लाइट, ये जैसे कोई एलईडी होगा तो इसमें से लाइट क्या हो रही है इमिट हो रही है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि लाइट कौन से सेमीकंडक्टर में इमिट होती है, जब वो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर आप एलईडी फैब्रिकेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब एलईडी को आपको फैब्रिकेट करना है तो सिलिकॉन इज नेवर यूज इन द फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी बिकॉज इट इज अ इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है और एनर्जी डेसिपेट करेगा हीट के फॉर्म में, लेकिन एलईडी फैब्रिकेशन के लिए अपन को एनर्जी चाहिए क्या लाइट के फॉर्म में जो डेसिपेट करे, तो इसके लिए यूज करते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में कौन सा, जिसका कैरियर लाइफ टाइम ज्यादा हो, जिसका कैरियर लाइफ टाइम ज्यादा हो, ठीक है। तो इसमें और आगे देखते हैं, सेमीकंडक्टर लेजर आर फैब्रिकेटेड विद डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, लेजर हो गई एलईडी हो गई, ये क्या होती है लाइट एमिट करती है, तो ये इसमें यूज करते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर लेजर आर फैब्रिकेटेड विद डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर विद लार्जर टाइम कांस्टेंट, मतलब उस मटेरियल को यूज करते हैं कि उसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा हो, मटेरियल डायरेक्ट बैंड गैप हो, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का मटेरियल कभी यूज नहीं करते, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन ये आता है जैसे गैलियम आर्सेनाइड इज एन एग्जांपल ऑफ, गैलियम आर्सेनाइड का आएगा एग्जांपल, चार ऑप्शन दे दिए डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इनडायरेक्ट बैंड गैप, वाइड बैंड, नैरो बैंड, तो गैलियम आर्सेनाइड क्या है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अ सेमीकंडक्टर फॉइल, सेमीकंडक्टर फॉइल है, वेफर है, थिकनेस दी हुई है 0.5 मिलीमीटर थिक, अ पोटेंशियल ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है, ये अप्लाइड अक्रॉस द थिकनेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ द मोबिलिटी इज 0.2, मोबिलिटी गिवन है, वोल्टेज गिवन है, थिकनेस गिवन है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू मूव अक्रॉस द थिकनेस, इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा उस थिकनेस को मूव करने में, मतलब टाइम कैलकुलेट करना है आपको, टाइम कैलकुलेट करना है, तो ठीक है। और इसमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना था, हाउ मच टाइम इज कैलकुलेट, तो ठीक है आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वोल्ट पर यूनिट डिस्टेंस, तो वोल्टेज 100 मिलीवोल्ट और डिस्टेंस 0.5 मिलीमीटर, जो थिकनेस है वही इसकी डिस्टेंस होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकाल दी 200, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मोबिलिटी आपको गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकाल दी, तो VD इक्वल्स टू म्यू इनटू E, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन टू ट्रैवल द थिकनेस, थिकनेस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है 0.5 इनटू 10 टू पावर -3 मीटर और वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर ली, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ऐसे आप इसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं,
A small concentration of minority carriers are injected into the homogeneous semiconductor. A small concentration of minority carrier अपन ने homogeneous semiconductor में डाले और at one end and having a electric field of 10 volt per centimeter. इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक ये होती है कि जो जो क्वेश्चन में देता जा रहा है वो आप डेटा लिखते हैं। ये क्या आपको गिवन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर सेंटीमीटर में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अप्लाइड अक्रॉस द क्रिस्टल सो दैट द माइनॉरिटी कैरियर इन सेमीकंडक्टर विल मूव इन द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस होगी 1 सेंटीमीटर टाइम दिया हुआ कितना 20 माइक्रो सेकेंड। 20 माइक्रो सेकेंड में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी हो जाएगी आपकी मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसको आप करके वीडी मिल जाएगा आपको वीडी मिल गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपके पास तो आप मोबिलिटी के डायरेक्ट फॉर्मूला में रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी इक्वल्स टू वीडी अपॉन ई बी इक्वल्स टू वीडी अपॉन ई तो ऐसे आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं। इन जर्मेनियम द लीकेज करंट ऑफ 5 माइक्रो जर्मेनियम में लीकेज करंट आपको 5 माइक्रो एम्पीयर गिवन है एट 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस फाइंड इट्स वैल्यू इफ द टेंपरेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। जब टेंपरेचर अपन ने 25 कर दिया तब लीकेज करंट कितना होगा तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है टेंपरेचर चेंज कर दें तो लीकेज करंट कैसे चेंज होता है ये फार्मूला आप नोट कर लें। टेम्परेचर गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस पर आई नॉट 1 गिवन है तो टेम्परेचर 2 पर आई नॉट 2 की वैल्यू क्या होगी आई नॉट 2 इक्वल्स टू आई नॉट 1 2 टू द पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10 ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो टेम्परेचर 25 T2 टेम्परेचर T1 10 ठीक है अपॉन 10 इंटू आई नॉट 1 गिवन है तो आप ऐसे आई नॉट 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।